Hello to all. Today I am sharing this laddu cake with you all. I made this for Ganesh Chaturthi. So, किस तरीके से बनाया है? Let's check out. So, मैंने इस laddu cake को बनाने के लिए वैसे तो दो sponge चाहिए, but मैंने एक as a cupcake का sponge use किया है और एक मैंने normal sponge उसे use किया है. So that कि मुझे trim ना करना पड़े बाद में. सो पहले इन दोनों को मैंने दो हाफ में कर लिए हैं. लड्डू को क्रम करके रख देंगे साइड में. इसके बाद करेंगे क्रीम को व्हिप्ड. ये मैंने क्रीम लिया है और इसको व्हिप करेंगे. इसमें मैं एसेंस डाल रही हूँ कार्डमम का. ये हमारा क्रीम हो चुका है व्हिप्ड आफ्टर 10 मिनट्स. अब करते हैं असेंबल. फर्स्ट मैंने जो कपकेक का जो दो पार्ट किया था उसे मैं पहले रख रही हूँ. मैंने इस स्पॉन्ज को ऑलरेडी सोक्ड कर रखा है शुगर सिरप से. देन उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर रही हूँ. एंड फिर उसके बाद ये जो मोतीचूर के लड्डू था इसे मैं अच्छे तरीके से तोड़ करके फिर उसके ऊपर डाल रही हूँ. इसके बाद देन मैंने नेक्स्ट जो है वो स्पॉन्ज के लिए रखा है जो बिगर इन साइज था. उसके बाद फिर से बूंदी के लड्डू का जो क्रस्ट है उसे यूज कर लिया है. ये ऊपर से लुक है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट मैं साइड का लुक दिखाऊंगी तो क्लियरली विजिबल होगा. लास्ट लेयर जो है हमारे पास ये स्मॉल, इसे हमने डाल दिया है सो डैट एक राउंड शेप आ जाए. इसको हम अच्छे तरीके से क्रम कोट करेंगे. इसको आफ्टर 30 मिनट्स फ्रिज में रखने के बाद हम एक फाइनल कोट देंगे. फाइनल कोटिंग करेंगे व्हिप क्रीम से अच्छे तरीके से. यहाँ हमें परफेक्ट केक बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपको शार्पनर करने हैं वो भी कर सकते हैं. उसके बाद हम इसे कवर करेंगे मोतीचूर लड्डू. ये जो हमारे पास लड्डू का जो क्रम है उसे अच्छी तरीके से कोट कर देंगे सो डैट एक ये मोतीचूर का लड्डू लगे. इसके बाद हम परफेक्ट लुक के लिए एक पार्चमेंट पेपर लेंगे, उसे लड्डू के राउंड के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे. देन इसे ज़िगज़ैग तरीके से फोल्ड कर लेंगे. नाउ इस लड्डू को कवर करना है इस पार्चमेंट पेपर से ताकि ये मोतीचूर का लड्डू लगे. बस इसको कर देना है अच्छे से फिक्स. उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे और ये हमारा लड्डू केक रेडी है. इसके बाद इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे एडिबल सिल्वर वर्क से. और चाहे तो आप थोड़ा सा पिस्ताशियो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राई रोज का. आखिरी में एंड में ये रेडी है परफेक्ट लुकिंग लड्डू केक. सो बनाइए और बताइए कैसा लगा ये आपको. If you like, please do like and subscribe. तब तक ले बाय बाय.